सबका दिमाग खराब हुआ पड़ा था। शादी में कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। और प्लस सुशील को ये भी पता नहीं लगने देना था कि आप नहीं आने वाले हो। हेलो। हेलो मापा। सुशील। ये यहाँ कहाँ से आ गया? कुत्ता! हेलो, हेलो, हेलो सुशील। हेलो मापा है? क्या हुआ? सुशील का फोन था। अरे कॉल बैक करूँगा। अब देखते हूँ कैसे हमारी मर्जी के बिना ये अपने माँ पास से बात करती है। हेलो। तमे जे नंबर डायल करी रहा छो ते हाल में व्यस्त छे। कृपा करी आई कोई पण दिवस फोन न करा। क्या हुआ? क्या सुशील का फोन था? लेकिन एक मिनट, वापस कोशिश करता हूँ। डायल करेलो नंबर 5 नी बाहर छे। अरे जीजा जी, आ जाएगा वापस, फोन आ जाएगा। बड़ा प्यार बरसा के गया था वो बुड्ढा बांग के। अब बैठ के गिनते रहो मायके के प्यार को। बस कीजिए माँ जी, हद हो गई। अब तो शादी भी खत्म हो गई है, अब तो सुधर जाइए। तुझे पता ना मुझे कुत्तों से डर लगता है। ध्यान से देख, कुत्ता नहीं है, कुत्ती है। पर मैं भी वही सोच रहा हूं कि मेरे कमरे में क्या कर रही है। डॉक्टर जी, अरे क्या हुआ डॉक्टर जी, क्या हुआ? ज्यादा बनने की कोशिश मत कीजिए माँ जी। वो फोन की तार क्यों काट रही थी आप कौन सी घटिया चाल चलने की कोशिश कर रही हैं? मैं मरीज, तू डॉक्टर नहीं। कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए ना अपनी बीमारी के बारे में। वैसे भी तूने जब से मने धमकाया है ना, मेरी तो नींद ही उड़ गई है। इसलिए अब मैं तुम्हें सब कुछ पूरा पूरा शुरू से बताती हूँ। यहाँ रखा था ना तूने कैमरा, उसके बाद तूने देखा भी था। किधर गया वो तारा पुंतरू जिसे तू मने सबके सामने लाना चाहती थी? बोल ना। सबूत है माँ जी, और सुरक्षित भी है। खेल सप्पी, जा जाकर लेकर आ। मरे रहते मरे खिलाफ कोई भी सुरक्षित नहीं रह सकता। मैं यही रह के तेरा इंतजार करूंगी। जा लेकर आ अपना सबूत।
से बाहर भेज सकते हैं। और तू कहना क्या चाह रहा था? क्या? मैंने बस यही तो कहा कि मैं यही सोच रहा था कि मेरे कमरे में ये कुतिया आई कहां से। खैर अब आ ही गई है तो कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। सू जी, सूजी, सिट सिट डाउन सू जी, सिट सिट डाउन, सिट डाउन, कम। सत्य से बाहर लेकर जा, ये मेरा भी कमरा है। ना 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 ना, रहेगी तो अब ये यहीं, क्योंकि इसे पता है ना इसके खाने का सामान मेरे पास है, इसके लिए महंगा महंगा खाना, इसीलिए रहेगी तो अब ये यहीं। सूजी, सूजी, सत्या, तुम उसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? और इसको जानबूझ के लाया ना मुझे परेशान करने के लिए, और मुझे गाली दे रहे? How dare you? How dare I? हाँ, तो ये बता मुझे, तुझे शर्म नहीं आई मुझसे शादी करके? हाँ, तुझे सिर्फ पटाने की शर्त लगी थी, पर तू तो मेरे गले ही पड़ गई, आ गई शादी करके मेरे घर, मेरी लाइफ, मेरे कमरे में। ये तो सिर्फ देखने में काली है, पर तू यहाँ मन से काली है। इतना सब कुछ पता होने के बाद भी तू आ गई। तेरी लाइफ मैं इस कमरे की तरह बना दूंगा, देख एकदम बिखरी हुई। पूरी की पूरी उजाड़ दूंगा, पूरी की पूरी बिखेर दूंगा। बिखेर के देख, खुद बिखर जाएगा। चालू तो कर इसे। उसने मिला कल रिश्वत चापली के साथ ही कमाली मिला। सही बोली तो डॉक्टर नहीं है, एक छोटी सी गोली से इलाज शुरू करती है। अपना इलाज भी शुरू करना छोटी सी गोली खाकर, ताकि तारे को सब याद रह सके। याद कर जब तू ये कैमरा लेकर रसोड़े में गई थी, उसके बाद क्या हुआ था? और बात करना चाहती है तू मने? मारी सच्चाई को सबके सामने लाना चाहती थी, ये ले, मारी सत्य को मारी से दूर करना चाहती थी, ये ले, मैंने तारी सच्चाई को इस तरह से दूर कर दिया हमेशा के लिए। कराटो रे,
क्या लग रहा है तुझे अपनी वो सुशील बहू को लेकर? चल 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 इलाज कर अपना और अपनी उस बहू का इलाज शुरू कर, क्योंकि मैं तो वाद करना नहीं छोड़ूंगी। तू कुछ भी करता रहेगा और मैं खड़े खड़े सह लूंगी। ये कॉलेज नहीं है सत्या, और ना ही बास्केटबॉल का कोई मैच जहां तू कुत्ता लाके चीटिंग करेगा और मैं हार जाऊंगी। मुझे कोई शौक नहीं है तेरे साथ यहां बैठ के बातें करने का, और ना ही मैंने बचपन में सपने देखे थे सुहागरात के। पर ये जो एफर्ट्स है ना, मैं इनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। सेजल दीदी ने कितनी मेहनत से, कितने मन से हमारे लिए कमरा सजाया। एक दुल्हा दुल्हन की नई लाइफ की शुरुआत होती है। तुझे नहीं पर मुझे इन बातों की कदर है, इसे प्यार कहते हैं। और ये मत समझना कि तू मुझे डराएगा धमकाएगा और मैं ऐसे कोने में बैठ के रोती रहूंगी। और क्या कह रहा था तू, मैं भी शर्म हूं। और तू एक शर्त लगाई और उसके बाद भी अपनी दादी जी को मेरे घर रिश्ते के लिए भेज दिया। एक लड़की की फीलिंग्स को पहले शर्त से तोला और उसके बाद ये सब। और अगर शादी हो ही गई है तो नया नाटक शुरू। कमाल है सत्या आज मेरा, तू तो चैलेंजेस एक्सेप्ट करने पे बिलीव करता था ना, इतना कैसे गिर गया? कोई बात नहीं सत्या, मैं भी रहूंगी इस शादी में, क्योंकि मैंने भी खुद से प्रॉमिस किया है कि मैं मापा और दादाजी को अपनी वजह से कभी परेशान नहीं होने दूंगी। मैं एक प्रॉमिस और करती हूँ कि मैं तुझे भी अपने साथ ये सब नहीं करने दूंगी। एक लड़की शर्त नहीं, इज्जत करने के लिए होती है, और ये बात तो मैं तुझे सिखा कर ही रहूंगी। फिर चाहे तू मुझे सुशील समझे या सूजी। सुशील, मापा बात कर। हेलो मापा। माँ जी पता नहीं अब क्या करने वाली है। मैं मेहुल जी को फोन करके बता देती हूँ कि यहाँ सब ठीक है। क्या हुआ तुझे, तू रो क्यों रही है सुशील? वो आपकी याद आ रही थी मापा। और ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? आपकी याद तो आएगी ना। अरे दिख रही है, ऐसा मत कर, मैं तो उससे दूर थोड़ी ना हूं। पर अब क्या बोलूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। क्या हुआ? और मैं दादाजी को हल्दी वाला दूध भी तो नहीं दे पाऊंगी। तो उसकी चिंता मत कर, हां वैसे बहुत अच्छे से की तूने सारी रस्में, देखा मैंने। आपने मुझे सब कुछ अच्छे से जो सिखा दिया था। मापा नितिश काका बता रहे थे कि आप मेरे लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हो। हाँ वो मैं देने ही वाला था। आके कोई बात नहीं मापा, वो पग फेरे की रस्म होने वाली है ना, तो जब मैं घर आऊंगी तब बता देना, और आपके हाथ का हलवा भी खिला देना प्लीज। मापा आप आराम करो, दादी जी बुला रही हैं, वो बहुत अच्छी हैं, मेरा बहुत ख्याल भी रखती हैं। ठीक है तू सो जा अभी, हाँ मैं बाद में फोन करता हूँ। हमारे दिख रही तो थोड़ा आराम कर रहे हैं, सो जा। और सुन मापा से फिर से बात करनी हो ना, कर लेना। सत्या को भेजती हूँ मैं तेरे पास,
सजा सजा आराम कर। माँ जी चाहे कुछ भी कर ले, मैं जानती हूँ कि सत्या सुशील को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देगा। सुशील कहाँ है? क्या करना है उसका, कहीं भी हो, वो सब छोड़। मैं सत्या, तुमने बताया ना कल क्या हुआ? वही जो आपने प्लान किया था। अरे ये मेरा सत्य, तुम्हारी अपनी दादी से नाराज है, ताना दे रहा है मने, हमारी बात तो सुन। तू हमारी से ये पूछना चाहता ना शादी को नहीं रोकती? अच्छा तू मने खुद बता, मैं कैसे रोकती शादी? अरे मेरा सत्य, मेरा प्लान तो पूरा ना हुआ ना उस सुपने को पागल करने का। देख दिख रहा शादी है ना, शादी तो कभी भी टूट जाएगी, जब भी तू जाएगा है ना। अरे तो हमें उस ऊटनी को तोड़ना है। ए सुन तो हमारी मेरी बात सुन, तारी कसम मारा दिख रहा, तारी कसम मैं बर्बाद कर दूंगी उसको। उसको तो पता नहीं पर मुझे बर्बाद कर दिया आपने। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, हटो यहां से। मारे सत्या ने मारे से ऐसे बात की, ऐसे बात की, इस घर में आते ही तारे इस घर में आते ही मारा सत्या, मारा सत्या, मारा पता मारे से दूर हो गया। ना ना छोड़ूंगी ना तुझे, उठली ना छोड़ूंगी तुझे, ना छोड़ूंगी तुझे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।